जांजगीर चांपा जिले के 8 कराते खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। विशाखापट्टनम में होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय कराते स्पर्धा में 12 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। कराते प्रशिक्षक वरुण पांडे ने बताया कि 7वीं इंटरनेशनल कराते चैंपियनशिप का आयोजन 4 फरवरी से किया जाएगा। खिलाड़ियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 3 और 4 फरवरी को आयोजित की गई है, जिसमें जिला कराटे संघ जांजगीर चांपा के 8 बच्चे भाग ले रहे हैं। और ये बच्चे इससे पूर्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के आधार पर इनका चयन जो है संघ द्वारा किया गया है। ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक मापदंड हैं उसके आधार पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस को मिलेगा, जहाँ पे इनको भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान ऐसे देश के प्लेयर के साथ में इनका भिड़ंत होना है, जिससे इनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने का प्रयास जो है यूनाइटेड कराटे डू इंडिया, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा यह आयोजन विशाखापट्टनम में आयोजित की जा रही है। वहीं चयनित खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने नेशनल खेला है और जीत के बाद उन्हें इंटरनेशनल के लिए चयनित किया गया है। इसे लेकर खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। मैं बिलासपुर नेशनल मैच खेलने गई थी, उसी आधार पर मैं विशाखापट्टनम इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इंटरनेशनल खेलने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इससे पहले मैं बिलासपुर में नेशनल खेल चुकी हूँ, उसी के आधार पर मैम ने मुझे इंटरनेशनल खेलने के लिए सिलेक्ट किया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जाने के लिए। और हमारी हर दिन प्रैक्टिस होती है, हर दिन मैम हमें एक काता प्रैक्टिस, पंच प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस करवाती है लास्ट के दोनों पीरियड में और मैम हमें हर दिन बोलती है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम्हें ये मेडल लेके आना है। मैं डेफिनेटली मैम के लिए मेडल ज़रूर लेके आऊँगी। हमारे स्कूल में रोज़ लास्ट में जब हमारा लास्ट पीरियड चलता होता है तो हम उसमें जाते हैं, गुरुकुल हमारा स्कूल है, वहाँ पर हम जाकर मैम क्या बोलते हैं, मैम हमें ट्रेनिंग देती है, रोज़ किक प्रैक्टिस करवाती हैं, पंच प्रैक्टिस करवाती हैं, फाइट करवाती हैं, काता करवाती हैं, तो उसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग जो है वो लगातार चलती रहती है। चयनित सभी खिलाड़ी लगातार प्रशिक्षण लेकर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं।